नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए, जहां दिल्ली एनसीआर में खराब होती हवा के कारण सांस के मरीजों पर अब दवाएं तक भी असर हो रही हैं। ऐसे मरीजों की स्थिति गंभीर होने पर आपातकालीन में अस्पताल उन्हें लाना पड़ रहा है और कई मरीजों की हालत इतनी गंभीर हो जाती है कि उन्हें वेंटिलेटर पर भी शिफ्ट करना पड़ रहा है। सांस रोग के विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसे मरीजों की हालत सामान्य रखने के लिए दवाएं चलती हैं, लेकिन प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बाद अब दवाएं भी असर हो रही हैं और दवा से गंभीर होता रोग कंट्रोल नहीं हो पा रहा। साथ ही पिछले कुछ दिनों से अस्पतालों के आपातकालीन विभागों में ऐसे मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। तो देखिए, आपात स्थिति में पहुंच रहे हैं सारे मरीज। दरअसल प्रदूषित हवाएं अब दवाओं तक को बेअसर कर रही हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण भयानक स्थिति में पहुंच चुका है और ठंड नजदीक आते आते अब जो प्रदूषण का लेवल है, यानी कि AQI भी अब गंभीर श्रेणी में पहुंच रहा है। ओवैस इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओवैस, देखिए, दिल्ली एनसीआर का AQI तो बेहद ही गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। अगर हम लखनऊ के AQI की बात करें तो फिलहाल AQI अभी मौजूदा क्या बताया गया है लखनऊ का? AQI की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। लगभग 300 के आसपास भी लखनऊ का भी AQI को दर्ज किया जा रहा है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर के जो अन्य इलाके हैं वहाँ पर AQI लेवल जो है वो 400 के ऊपर पहुंच चुका है। कहीं पे 403 है तो कहीं पे 369 है तो कहीं पे 422 है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हवा है, हवा के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रदूषण है, ये प्रदूषण जो हवा के रखे जो है लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसमें जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं उनको भी देखना चाहिए कि किस तरीके से जो प्रदूषण है, जिस तरीके से गाड़ियां बढ़ रही है, जिस तरीके से गाड़ियों की जो संख्या है वो बढ़ रही है, तो तमाम जो वजह है जिसकी वजह से स्मॉग और जो प्रदूषण है धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, जैसे जैसे ठंड अब दस्तक दे रही है, हवाएं भी लगातार प्रदूषित होने वाली हैं। और ऐसे ही जहां एक तरफ अब दिवाली का पर्व नजदीक है और दिवाली के बाद AQI भयानक स्तर पर पहुंच जाता है, ठीक उससे पहले अब दिल्ली NCR का AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। तो देखिए, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी लगातार PDA को साधने के लिए तमाम तरीके के कार्यक्रम आयोजित करती है। ठीक उसी तर्ज पर एक बार फिर से अखिलेश यादव साइकिल पर सवार हो चुके हैं और 2024 के चुनाव से पहले PDA को साधने की पूरी कोशिश करते हुए साइकिल यात्रा के जरिए अखिलेश यादव करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, सीधी तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा दें, जहां पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुस्लिम यात्रा में इस वक्त अखिलेश यादव मौजूद हैं। तमाम कार्यकर्ताओं के साथ अखिलेश यादव इस वक्त साइकिल पर सवार होके 2024 के लोकसभा चुनाव का जो चुनावी शंखनाद है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। उस दौरान तमाम कार्यकर्ताओं का हुजूम भी देखने को मिल रहा है, कड़ी सुरक्षा है। और देखिए, लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें हैं जो लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए, ये लखनऊ से यात्रा की सीधी तस्वीरें हैं। और ठीक इस साइकिल यात्रा से पहले अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा, जो पिछड़ा होगा वो सिर्फ नाम ही बदलेगा, PDA में A फॉर अगड़ा, जबकि BJP सिर्फ साजिश करती है, अफवाह फैला सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यकों को लगातार साधने में लगे और इसका नाम PDA भी कहा गया है, यानी कि PDA के फॉर्मूले पर इस वक्त अखिलेश यादव साइकिल पर सवार होकर निकल चुके हैं। अखिलेश पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर साइकिल चलाते हुए भी नजर आएंगे। PDA यात्रा में शामिल होने से पहले अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है सपा कार्यालय में। वो मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने PDA यात्रा का इस दौरान एक पोस्टर भी जारी किया है। लेकिन देखिए, ये सीधी तस्वीरें हैं जहां PDA साइकिल यात्रा का आगाज हो चुका है। अखिलेश यादव इस साइकिल यात्रा का शुभारंभ करते हुए नजर आए हैं। इस दौरान तमाम कार्यकर्ता, तमाम दिग्गज नेता, विधायक उनके साथ मौजूद रहे हैं। और वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि PDA में A फॉर अगड़ा है, PDA यात्रा में सब शामिल है, पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित और अगड़ों की भी बात
समाजवादी पार्टी लगातार करती है। इसमें आदिवासी समूह है तो अगड़े भी हैं। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, ये यात्रा पहले से चल रही है। घबरा वही लोग रहे हैं जो सिर्फ तस्वीर खिंचवाने आ रहे हैं, यानी कि साफ तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर नजर आए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने एक बेहद ही गंभीर आरोप भी भारतीय जनता पार्टी पर लगाए। पूर्व सांसद के बेटे के इलाज को लेकर जो लापरवाही हुई है बीजेपी सरकार में, अगर उन्हें ही इलाज नहीं मिल पा रहा तो क्या ही कहे। तो देखिए, अखिलेश यादव ने एक बार फिर से जुबानी वार करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर वो हमलावर रहे हैं। और अब अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद पीडीए साइकिल यात्रा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद अखिलेश यादव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी साइकिल चलाते हुए नजर आएंगे और साइकिल की रफ्तार बढ़ाने के साथ ही वो 2024 के चुनाव को और धार देते हुए इस यात्रा के जरिए नजर आ रहे हैं। और इस यात्रा से पहले अखिलेश यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव सीधे सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पर हमलावर भी नजर आए हैं। देखिए, सपा अपने पीडीए और जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर जनता के बीच लगातार साइकिल यात्रा निकाल रही है। अखिलेश यादव ने साइकिल यात्रा को लेकर साफ तौर पर कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ये यात्रा समाज के हर एक वर्ग, हर एक तबके को लेकर चल रही है, हर एक वर्ग को साधने का प्रयास भी कर रही है। पार्टी अब तक 80 दिनों में 5,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुकी है। 125 विधानसभा क्षेत्रों से गुजर चुकी यात्रा 21 नवंबर को सैफई में खत्म होगी। इसी के तहत आज अखिलेश यादव सपा कार्यकर्ताओं के साथ साइकिल यात्रा निकालते हुए नजर आए हैं। और सपा की अगर हम पीडीए यात्रा की लगातार बात करें तो लखनऊ में इसकी शुरुआत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होगी, जो कबीरपुर, इंदिरा नहर पुल, किसान पथ, खुरदही बाजार, अमूल प्लांट, कैंसर हॉस्पिटल तिराहा, प्लासियो मौलिकाना स्टेडियम, मातृ शिशु अस्पताल लोहिया, पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर बंधा मार्ग, राप्ती अपार्टमेंट, डीपीएस स्कूल और जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट नंबर 7 से होते हुए लक्ष्मी मार्केट फिर जनेश्वर मिश्र पार्क में ही समाप्त हो जाएगी। तो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी अपनी अलग अलग रणनीति के साथ माहौल बनाने की तैयारी में है। मुलायम सिंह यादव के MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव अब पीडीए पर भी पूरा फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि साइकिल यात्रा का नाम पीडीए साइकिल यात्रा रखा गया है, जिसमें खुद अखिलेश यादव साइकिल पर सवार होकर साइकिल की रफ्तार को बढ़ाने के साथ ही 2024 के चुनाव को भी धार देते हुए नजर आते हैं। अगर हम 2014 और 19 की बात करें तो लोकसभा चुनाव 2014, फिर 19 और विधानसभा चुनाव 2017 और 22 में अखिलेश को MY फैक्टर के दायरे में बांधकर भाजपा ने एक बड़े वोट बैंक पर अपना प्रभाव जमाया। अब उसी प्रभाव को समाजवादी पार्टी अपने पक्ष में लाने के लिए पीडीए के फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि जब जब समाजवादी पार्टी का जिक्र होता है तो समाजवादी पार्टी के ऊपर जो थप्पा लगा है MY समीकरण, अब अखिलेश यादव इस साइकिल यात्रा के जरिए उस धब्बे को कहीं ना कहीं पोंछते हुए नजर आ रहे हैं। और पीडीए के साथ ही उन्होंने साफ तौर पर अगड़ों का भी जिक्र किया है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि अगड़ों के भी हम हक की बात इस यात्रा के जरिए करेंगे। तो देखिए, लगातार हम ये तस्वीरें तो लखनऊ से पहुंचा ही रहे, इसी खबर पर गौरव भी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए गौरव, अखिलेश यादव पीडीए को साधने के लिए पीडीए साइकिल यात्रा आज निकालते हुए नजर आ रहे हैं। ये यात्रा कितने जिलों से होकर गुजरेगी और ये यात्रा कहां समाप्त होगी? गौरव देखिए, मुस्कान, यहाँ पर चुनाव महत्वपूर्ण है और चुनाव के लेके यहाँ पर जिस तरह से पीडीए को लेकर लगातार बातें हो रही है, उसको लेकर अखिलेश यादव भी पूरी तरह से महत्वपूर्ण समझ रहे हैं और जान रहे हैं कि अगर पीडीए को लेकर हम चल रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर काम करने की जरूरत है। और लगभग लगभग लखनऊ में वो लगभग 20 किलोमीटर की यहाँ पर यात्रा करके अपनी शुरुआत करेंगे। 82 दिनों तक ये यात्रा चलेगी और निश्चित रूप से पहले भी हमने देखा है इस तरह की तमाम तरह की यात्रा उनके द्वारा निकाली गई है। अगर हम आज की यात्रा की बात करें मुस्कान, तो लखनऊ में शुरू हो चुकी है और यात्रा की शुरुआत अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेस शुरू करके हुए इंडा कैनाल, किसान पर, अमूल प्लांट और SCL इकाना होते हुए जनसभा में जो
पार्क है वहाँ पर इसका समापन होगा। इसके बाद ये इससे पहले भी यात्रा कर चुके हैं। अगर इस यात्रा की बात करें तो इस यात्रा का जो विराम है मुस्कान, वो 22 नवंबर को सियाफी में मुलायम सिंह यादव की समाधि पर श्रद्धांजलि सभा के साथ खत्म होगी और इस दौरान तमाम जो जिले हैं वहाँ से निकलते हुए अखिलेश यादव जाएंगे। और निश्चित रूप से इस यात्रा का माध्यम सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ यात्रा के माध्यम से वो अपनी जो पुरानी जमीन है जिसको कहा जाता है कि पुरानी अपनी ताकत को यहाँ पर सहजने का काम कर रहे हैं। आपने देखा है इसके पहले भी जब भी यात्रा होती है या कोई अभियान होता है उसके माध्यम से कार्यकर्ताओं में यहाँ पर एक क्षमता भी आती है और निश्चित रूप से इसके माध्यम से लगभग लगभग जितनी लोकसभा सीटें वहां पर वो जाएंगे। और खासतौर पर यहाँ पर अगर बात करें तो लखनऊ से यात्रा चलते हुए उन्नाव कानपुर और कन्नौज होते हुए मैनपुरी पहुंचेगी। उस यात्रा के माध्यम से अखिलेश यादव पीडीए को जो जनाधार जिसको लेकर सोच रहे हैं उसको मजबूत करने का प्रयास करते नजर आएंगे। ठीक है, देखिए गौरव, लोकसभा चुनाव 2014 हो या 19 हो या फिर विधानसभा चुनाव 2017 और 22 हो, अखिलेश को कहीं ना कहीं MY फैक्टर के दायरे में बांध कर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े वोट बैंक पर अपना प्रभाव जमाया है, जिसके बाद अखिलेश यादव अब इस बार के लोकसभा चुनाव में पीडीए पर भी धाक जमाने की कोशिश कर रहे हैं। इस यात्रा के जरिए अखिलेश यादव क्या कुछ हासिल करने का प्रयास करेंगे और क्या वाकई ये यात्रा उतनी सफलता उन्हें दिला पाएगी? क्या लगता है गौरव? देखिए मुस्कान, बिल्कुल इस यात्रा के माध्यम से अगर ये यात्रा इनकी सफल होती है निश्चित रूप से ये समाजवादी पार्टी को एक संजीवनी यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर पीडीए की बात करें, पिछला की बात करें, दलित की बात करें, अल्पसंख्यक और वाई फैक्टर जो MY फैक्टर की बात जो लगातार होती है तो इनका परंपरागत वोट बैंक है। हमने इसके पहले भी देखा है, चाहे हम जब 4 बार की सरकार बनी है तब भी इस वोट बैंक इनका साथ दिया है। और अगर हम बात करें 2022 में अगर इनको 111 सीटें ये साथ में आए थे, गठबंधन के साथ में आए थे, यहाँ पर भी MY फैक्टर इनका साथ दिया था। और यहाँ पर निश्चित रूप से अब अखिलेश यादव जानते हैं कि MY फैक्टर हमारे साथ है। अगर यहाँ पर हमको पिछला दलित का भी जो सबसे बड़ा वोट वर्ग है हमारे देश में, अगर उसका यहाँ पर हमको समर्थन कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता है तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी संजीवनी होगी और इससे आने वाले समय में हमारा जो लोकसभा चुनाव का सपना है इसको पूरा हम कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है मुस्कान यहाँ पर है कि पिछड़ा तो दलित को लेकर सभी जो पार्टियाँ हैं वो अपना अपना एजेंडा बना चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस भी इसको लेकर दलित गौरव संवाद यात्रा 9 अक्टूबर को शुरुआत कर चुकी है। 26 नवंबर यानी संविधान दिवस के दिन इसका समापन होगा। इसके अलावा बीजेपी इससे पहले ही हमने आपको देखा है कि दलित OBC वर्ग को लेकर तमाम तरह का अभियान चला रही है। दलित सम्मेलन भी बीजेपी द्वारा लगातार चलाया जा रहा है। यहाँ पर अखिलेश यादव यहाँ पर पीडीए यात्रा के माध्यम से अपनी जो पुरानी जमीन को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। खासतौर से MY फैक्टर के अलावा यहाँ पर जो दलित वोट बैंक है, जो पिछड़ा जो वोट बैंक है उसको अपने पाले में करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लगातार देखते चले आ रहे हैं कि ये जो वोट वर्ग है पिछड़े दलित की हम बात करें ये कभी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहा है और वर्तमान में बीजेपी के साथ 14, 17, 19, 22 चुनाव में साथ रहा है। बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ सत्ता में आई थी, चाहे केंद्र की बात करें और चाहे उत्तर प्रदेश में छत्तीसगढ़ मेरा कुटोल की बात करें। ठीक है, देखिए गौरव, अखिलेश यादव ने इस यात्रा के ठीक पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने पीडीए का जिक्र तो किया ही, साथ ही ये भी कहा कि A फॉर अगड़ा भी है। इसके जरिए क्या साधने की कोशिश अखिलेश यादव की, क्या कुछ कहना चाहते हैं वो? देखिए मुस्कान, निश्चित रूप से यहाँ पर अगड़े की बात तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर लगातार देखा है कि जब वो पीडीए बनाए थे तो कहीं ना कहीं समर्ण वर्ग को एक नाराजगी नजर आ रही थी कि उन्होंने अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को मुस्लिम को ही सोच रहे हैं, इसके अलावा उन्होंने श्रमण की बात नहीं की। निश्चित रूप से यहाँ पर अब अखिलेश यादव ये संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ पर जो ए है वो अल्पसंख्यक के साथ साथ अगड़ा भी है, पर यहाँ पर वो श्रमण वर्ग इस चीज को समझेगा कि नहीं समझेगा ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और पिछड़ा दलित बोर्ड वर्ग कभी इनका साथ नहीं रहा है, अब ये बोर्ड वर्ग क्या इस तरह की यात्रा उनके साथ आएगा ये भी बड़ी चुनौती यहाँ पर अखिलेश यादव के लिए भी और इस बोर्ड वर्ग के लिए भी है कि समझ पाएगी कि हमको किसके साथ जाना है। ठीक है गौरव, लगातार देखिए हम तस्वीरें तो देख पा रहे हैं और शायद आप भी ये तस्वीरें देख पा रहे होंगे जो अखिलेश यादव साइकिल पर सवार होकर जितनी तेज उनकी साइकिल के पहिए घूम रहे हैं शायद उतनी ही तेजी से वो 2024 के चुनाव को भी धार देते हुए नजर आ रहे हैं। इस साइकिल यात्रा में और कौन कौन सा समाजवादी पार्टी का दिग्गज नेता शामिल है गौरव? देखिए यहाँ पर मुस्कान महत्वपूर्ण यात्रा है, अगर बात करें तो 80 दिनों में लगभग 5000 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो चुकी है। और अगर यात्रा करें तो अभी लगभग 125 विधानसभा क्षेत्र से यात्रा गुजर चुकी है और मैंने आपको बताया 21 नवंबर को ये यात्रा खत्म होगी। पर यहाँ पर जिस तरह से इस यात्रा की हम बात करें तो तमाम बड़े नेता फिलहाल यहाँ पर साइकिल चलाते समय फिलहाल अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, इसके अलावा धर्मेंद्र यादव उनके साथ में है, इसके अलावा जो युवा जो उनका समाजवादी पार्टी छात्र सभा के जो नेता है वो इसमें नजर आ रहे हैं, सुनील सिंह साजन इसमें नजर आ रहे हैं, बाकी यहाँ पर जिस तरह से अखिलेश यादव के साथ बड़ी संख्या कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और सभी यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ सभी लोग
लोग लाल रंग की टी शर्ट भी पहने हैं मुस्कान, के टोपी भी लगाए हुए हैं। उस बार नए तरह का कैलेवर भी उनको देखने मिल रहा है कि सभी यहाँ पर लाल रंग की टी शर्ट पहने हुए हैं। कुछ लोग जरूर यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो सफेद रंग की शर्ट और जो कुर्ता पजामा और लाल रंग की टोपी पर, बाकी लोग यहाँ पर जो टी शर्ट पहने नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के तमाम लोग कार्यकर्ता। ठीक है, देखिए गौरव, समाजवादी पार्टी पीडीए और जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर अब जनता के बीच पहुंच रही है साइकिल यात्रा के जरिए, और पार्टी अब तक 80 दिनों में तकरीबन 5000 किलोमीटर की ये यात्रा तय कर चुकी है। और ये जो यात्रा तय करी है समाजवादी पार्टी, क्या इससे अभी तक कोई फायदा नजर आया है क्या सपा सुप्रीमो को? क्योंकि लाजमी है कि बैठक की गई होगी, तो उस बैठक के दौरान क्या कोई नतीजा निकल पा रहा है क्या? देखिए मुस्कान, बैठक की अलग बात है, यात्रा यहाँ निकालना है 80 दिनों की पूरे हो चुके हैं, 5000 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो चुकी है, 25 विधानसभा क्षेत्र में गुजर चुके हैं, लगभग 25 लोकसभा क्षेत्र ये कवर कर चुके हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि केवल यहाँ यात्रा से काम नहीं चल रहा है, बल्कि आपको इस वोट वर्ग को भूमिका देनी होगी, प्रतिनिधित्व देना होगा पार्टी में। जब तक आप वोट वर्ग को अपनी पार्टी में प्रतिनिधित्व नहीं देंगे, इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक ये वोट वर्ग आपके साथ जाए ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। क्योंकि यहाँ पर केवल चुनाव जरूरी नहीं है, इस वोट वर्ग को अगर अपने पाले में करना तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और रणनीति बनानी पड़ेगी। जब तक आप इस वोट वर्ग को अपने साथ नहीं लाएंगे, अपने इसको स्थान नहीं देंगे, इसको जगह नहीं देंगे, तब तक यहाँ पर चीजें खराब ही रहेंगी। अगर वास्तव में अखिलेश यादव पीडीए को लेकर चिंतित है, वास्तव में चाहते हैं कि पिछड़ा दलित जो वोट वर्ग है वो इनको मिले, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर इनको आगे बढ़ाना पड़ेगा, अपनी पार्टी के संगठन में भी जगह देनी पड़ेगी। खासतौर पर यहाँ पर आगामी लोकसभा चुनाव है, वहां पर आपको टिकट भी देने पड़ेंगे, तभी आपका मनसूबा पूरा होगा, अन्यथा इस तरह की यात्रा निकलती रहेंगी, निकलती आई या निकलती रहेंगी। बिल्कुल ठीक है। देखिए गौरव, अखिलेश यादव के पीडीए का नारा देने के बाद अब कांग्रेस ने भी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यकों को अपने पाले में लाने की कवायद तेज कर दी है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के मौके पर लखनऊ में ही पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा सम्मेलन करने जा रही है। और ठीक अब एक दिन पहले अखिलेश यादव की ये साइकिल यात्रा सियासी गलियारों में कितनी महत्वपूर्ण है, और क्या कांग्रेस को ये कड़ा संदेश देने की कोशिश है सपा की? बिल्कुल, यहाँ पर सबकी अपनी अपनी कोशिशें हैं, और यहाँ पर हमें पता है कि कल 31 तारीख है, और कल राजधानी लखनऊ की अगर बात करें मुस्कान, तो यहाँ पर भी एक रन फॉर यूनिटी भी निकलने वाली है, कांग्रेस की अपना सम्मेलन होने वाला है। अखिलेश यादव पहले से ही अपनी यात्रा के इस पर जोर पर लगे हुए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सबका जो प्रयास है वो पिछड़ा और दलित वर्ग को अपने पाले में करने का है। पर मुस्कान, हम आपको दोबारा ही बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो वर्ग है, ये वर्ग लंबे समय से यहाँ पर बीजेपी के साथ चल रहा है, 14, 17, 19, 22 से चुनाव बीजेपी जीती है, स्पष्ट बहुमत से आई है, उत्तर प्रदेश 37 साल पुराना मिथक टूटा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ मिथक टूटने के पीछे इस वर्ग का साथ जरूरी था। पर यहाँ पर इस वर्ग को लेकर अब सभी पार्टियां यहाँ पर मेहनत करती नजर आ रही है, कांग्रेस भी यहाँ पर अपनी व्यवस्थाओं को छोड़कर यहाँ पर दलित गौरव संवाद यात्रा शुरू कर चुकी है, और लगातार यह संवाद 9 अक्टूबर से शुरू हुआ है, 26 नवंबर तक चलेगा। तो कुल मिला के जो ये महीना है, जो साल है, जो जिसका ये आखिरी 2 महीने लगभग बचे हुए हैं, तो यहाँ पर फिलहाल सभी का प्रयास ये रहेगा कि दलित वर्ग को अपने पाले में किया जाए, पिछड़े वर्ग को अपने पाले में। गौरव, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, तो देखिए लखनऊ से सीधी तस्वीरें हैं जहां अखिलेश यादव साइकिल पर सवार हो चुके हैं पीडीए को धार देने के लिए। अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा को काफी बड़ा और महत्वपूर्ण माना जा रहा है, इसके जरिए अखिलेश यादव पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के साथ या अगड़ों को भी साधने की राजनीति पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री असीम अरुण प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने होने वाले अनुसूचित जनजाति महासम्मेलन के संबंध में सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से पिछले 2 सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं में लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, इससे साफ होता है कि 2024 में यूपी में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी 80 में से 80 सीटें जीतने जा रही है। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि कल प्रयागराज में एक बहुत बड़ा सम्मेलन अनुसूचित वर्ग का भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित किया जा रहा है, माननीय योगी जी इसको संबोधित करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य है, पिछले बड़े चुनाव अगर हम देखें, नगर पालिका नगर निकाय के चुनाव और उससे पहले विधानसभा का चुनाव, तो सभी का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में बढ़ा, जिसका परिणाम हमने देखा, रिकॉर्ड सीटें मिली, रिकॉर्ड जीत हुई। इसके लिए अनुसूचित वर्ग को विशेष रूप से कल धन्यवाद ज्ञापित होगा। खबर बुलंदशहर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि प्रजातंत्र खतरे में नहीं बल्कि परिवारवाद खतरे में है। देश में आपातकाल के दौरान इंदिरा ने गठबंधन किया था और वो चुनाव हार गई थी।
जिसके बाद देश के हालात ऐसे हो गए थे कि देश का सोना गिरवी रखकर कामकाज करना पड़ा। बताया जा रहा है कि भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह खुर्जा के गांव फिरोजपुर में आयोजित 16वें कुश्ती दंगल में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने इंडिया गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। खबर रायबरेली से है, जहां पेट परीक्षा के दौरान दो मुन्ना भाई पुलिस के हत्थे चढ़े और दोनों मुन्ना भाई किसी अन्य की जगह परीक्षा देने पहुंचे थे, जहां सीओ सदर अमित सिंह के मुताबिक फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज में पकड़ा गया मुन्ना भाई जौनपुर का रहने वाला है। जितेंद्र यादव है जो अभिषेक यादव की जगह परीक्षा दे रहा था, और दूसरा बिहार का रहने वाला दीपू कुमार है जो मिल एरिया थाना इलाके के फिरोज गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में जौनपुर के प्रमोद कुमार की जगह परीक्षा दे रहा था। वहीं सीओ अमित कुमार का साफ तौर पर कहना है कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 29 अक्टूबर को पीईटी एग्जाम के दौरान थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत एक इंस्टीट्यूट से एक मुन्ना भाई पकड़ा गया है, जो कि जौनपुर का रहने वाला है, जिसका नाम जितेंद्र यादव है, और वो जौनपुर के रहने वाले अभिषेक यादव की जगह एग्जाम देने के लिए आया था। उसको पकड़ के पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है और नियमानुसार आगे कार्रवाई कराई जाएगी। साथ ही मिलेरिया थाना के अंतर्गत भी एक मुन्ना भाई पकड़ा गया है, जिसका नाम दीपू कुमार है, जो कि बिहार का रहने वाला है, और वो जौनपुर के रहने वाले प्रमोद कुमार जो एग्जाम देने के लिए आया हुआ था, उससे भी पूछताछ की जा रही है और आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार नियम कार्रवाई कराई जाएगी। अगली खबर भी रायबरेली से है, जहां पेट परीक्षा देने आई छात्रा ट्रेन से गिरकर घायल हो गई। बताया जा रहा है कि रायबरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन में परीक्षार्थियों की भारी भीड़ के चलते त्रिवेणी एक्सप्रेस पर चढ़ने के दौरान छात्रा का पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गई, जिसके बाद छात्रा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई गई है। अब खबर बहराइच से है, जहां रानीपुर थाना क्षेत्र में एक पिता ने अपनी 3 मासूम बच्चों को जहर देने के बाद खुद भी जहर खा लिया और हालत बिगड़ने के बाद चारों को बहराइच के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई, जबकि तीनों मासूम बच्चों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। वही घटना की सूचना पाने के बाद मेडिकल कॉलेज पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जनपद बहराइच के थाना रानीपुर क्षेत्र में रहने वाले एक धर्मचंद नाम के व्यक्ति ने, जो कि प्रथम दृष्टया मामला लग रहा है कि इनके पारिवारिक जो विवाद था उसके चलते ये परेशान थे, और इन्होंने अपने 3 बच्चों को जहर दिया और स्वयं भी जहर खा लिया। तो बच्चों का यहाँ पर चिल्ड्रन वार्ड में इलाज चल रहा है और जो धर्मचंद हैं उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। 12 साल का एक, 8 साल का एक, 4 साल की बच्ची है और उसका पिता है। पिता काफ़ी गंभीर स्थिति में था, इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो चुकी है। 2 बच्चे अभी काफ़ी सीरियस, छोटा वाला बच्चा है वो थोड़ा कम सीरियस है। पीडियाट्रिशियन ने भी देख लिया है, एडमिट कर लिया गया है, बाकी बच्चों का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो क्या रेफर भी किया जाए? रेफर किया जाएगा, लेकिन अभी तो फिलहाल स्टेबल करके यहाँ से तब देखा जाएगा, स्टेबल हो जाते हैं तो फिर नहीं रेफर किया जाएगा। तो खबर बहराइच से है, जहां एक पिता ने खुद भी जहर खा लिया और खुद जहर खाने के साथ ही एक पिता ने 3 बच्चों को भी जहर दे दिया, जहां इलाज के दौरान पिता की मौत की खबर है, जबकि बच्चों की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। रफीक, ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रफीक, देखिए ये खबर बड़ी गंभीर है, क्योंकि एक पिता ने खुद भी जहर खा लिया और साथ ही साथ 3 बच्चों को जहर दे दिया है, जहां इलाज के दौरान पिता की तो मौत हो गई है, साथ ही 3 बच्चों की हालत गंभीर है, लेकिन इस पूरे मामले के पीछे की वजह क्या है? रफीक, मैं बताना चाहूंगा कि ये मामला जो है, क्योंकि उसका पति काम करता था, बाहर काम करता था, और उसी दौरान जो है उनसे, इसके पति से, इसके भांजे से, इसकी पत्नी से कुछ संबंध, अवैध संबंध हो गए, जिसको लेकर के पत्नी से संबंध काफी दिन से ही चल रहे थे, और उसके बाद जब पति आया तो पति ने कई बार रोक टोक किया, उसके बाद खैर ये हुआ कि ज्यादा टाइट किया उसने, उसके बाद अंत में पत्नी भाग गई अपने उसी के भांजे के साथ, और जब भाग गई तो पत्नी, पति जो है सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया,
जिसकी वजह से उसने खुद भी जहर खा लिया और तीनों बच्चों को जहर खिला दिया और अंततः लेट आवर्स में पति की मौत हो गई है और बच्चों की हालत सीरियस बनी हुई है। मौके पर पुलिस अधीक्षक और आला अफसर पहुंच गए थे और इलाज पूरी तरीके से चल रहा है। ठीक है, धन्यवाद रफीक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। खबर हरदोई से है जहां पेट परीक्षा के दूसरे दिन एक सॉल्वर को फिर पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि सॉल्वर बिहार से एक स्थान परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा देने आया था और परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक उपस्थिति के समय परीक्षा देने आए सॉल्वर का ना तो फेस मैच किया और ना ही फिंगर के निशान। ऐसे में संदिग्धता प्रतीत होने पर सॉल्वर से कड़ाई से जब पूछताछ की गई तो पूरा मामला सामने आ गया, जहां पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम रोशन लाल बताया जो पटना बिहार का रहने वाला है। रोशन लाल और अविनाश कुमार के बीच 20,000 की डील हुई थी जिसके बाद रोशन लाल परीक्षा देने आया था। थाना कोतवाली देहात अंतर्गत सेंट जेम्स कॉलेज पड़ता है जहां पर आज प्रथम पाली की पेट परीक्षा आयोजित की जा रही थी, उसी में रोशन लाल जो कि पटना बिहार का रहने वाला है, ये अवनीश कुमार के स्थान पर परीक्षा देने हेतु आया था, जहां पर बाहर गेट पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से जब इसका फोटो मिलान किया गया तो फील्ड बताया, उसी क्रम में वहाँ के जो केंद्र व्यवस्थापक थे उनके द्वारा स्थानीय पुलिस को सूचित किया गया और उसके बाद उसे जब लाके यहाँ पूछताछ की गई तो उसके द्वारा यह बताया गया वह रोशन लाल है और बिहार रहने वाला है और इस कुमार के स्थान पर कैसे गुलाज में ये परीक्षा दे रहा था। इसमें अन्य और उससे गहन पूछताछ की जा रही है, इसमें जो भी और तथ्य आएंगे उसके अनुसार विधि कार्रवाई कराई जाएगी। कितने पैसे रुपये लिए थे इसने, कितने? अभी जो इसने पूछताछ में बताया है लगभग 20,000 की बात अभी आ रही है। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग की गई और बताया जा रहा है कि गाजियाबाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक सवार दो बदमाशों को रोकने का जब इशारा किया तभी बाइक सवार बदमाश पुलिस पर फायर करते हुए भागने लगे और बदमाशों की ओर से हो रही फायरिंग में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस की टीमों ने घेराबंदी कर फायरिंग की जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया और अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से एक दूसरा बदमाश फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने घायल बदमाश और घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया जहां बदमाश के इलाज के दौरान मौत हो गई। वही घायल पुलिसकर्मी फिलहाल खतरे से बाहर है, जबकि इस पूरे मामले में एक SHO को सस्पेंड और दो इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर किया जा चुका है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।